जय श्री कृष्णा। डीबी भारती समाचार चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। नयाचार राजेंद्र त्रिवेदी शास्त्री राजगढ़ झांसी। मेष राशि वाले, आपको आज के दिन जैसे कि वाहन इत्यादि का क्रय विक्रय करते हैं या आप कोई जमीन खरीदते हो या बेचते हो, आपके लिए आज उत्तम श्रेष्ठ रहेगा। राजनीतिक जैसे कार्यों में यदि आप पैर रखते हो तो आपकी जीत की स्थिति बन सकती है और आपका भाग्य का उदय भी हो रहा है। दूसरी राशि है वृख। वृख राशि वालों को आपको आज के दिन सचेत सतर्क वाहन इत्यादि से रहना है एवं शत्रु आपके परास्त होंगे। तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों को भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति, स्थानांतरण जैसे योग बन रहे हैं। और चौथी राशि है कर्क। कर्क राशि वालों को आपको आज के दिन कोई आप नई शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है। बच्चों को भविष्य को लेकर कोई योजना आपके मन में आएगी या कोई नया धंधा व्यापार शुरू कर सकते हो। पांचवी राशि है सिंह। सिंह राशि वालों को आपको आज के दिन मशीनरी फैक्ट्री जैसे कार्यों में विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। छठवीं राशि है कन्या। कन्या राशि वालों को आपको आज के दिन पूर्व से किसी पद पर प्रतिष्ठित है, नए पद की प्राप्ति होगी अथवा जो कार्य आप कर रहे थे उसमें आपको लाभान्वित प्राप्त योग बन जाएगा। सातवीं राशि है तुला। तुला राशि वालों को आपको मानसिक तनाव बेचैनी कम होगी, साथ ही में आज से आप कोई नई कृषि इत्यादि क्षेत्रों में लाभ प्राप्त कर सकोगे। आठवीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों को आपको आज के दिन नए कोई व्यापार में हाथ डालोगे तो श्रेष्ठ और उत्तम कार्य रहने वाला है। नवम राशि धनु। धनु राशि वालों को भाग्य का उदय होगा, नए पद की प्राप्ति हो सकती है। दसम राशि है मकर। मकर राशि वालों को आपको आज के दिन शत्रु आपके परास्त होंगे, मित्रों से सहयोग होगा, घर परिवार वालों से भी सहयोग प्राप्त हो सकता है। ग्यारहवीं राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों को आपको आज के दिन प्रतिष्ठित हैं किसी पद पर, नए पद की प्राप्ति होगी एवं आपको हृदय रोग से संबंधित अटैक जैसी स्थिति की योग भी हो सकते हैं, इसलिए आप थोड़े सावधान और सचेत रहें। बारहवीं राशि है मीन। मीन राशि वालों को आपको आज स्वास्थ्य उतार चढ़ाव भरामय रह सकता है, हृदय रोग, पेट रोग, चक्षुमान नेत्र से संबंधित कोई समस्या भी हो सकती है, इसलिए आप पुखराज नामक रत्न धारण करें। भगवान लक्ष्मीनारायण की आराधना करना आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम कारक रहेगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ पीतांबरा, जय माँ वृंदवासिनी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।